हेलो एंड वेलकम इन टुडेज लेक्चर ऑन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये हमारा थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कोर्स कंटेंट के बारे में। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि चैप्टर की स्टडी स्टार्ट करने से पहले आप कोर्स कंटेंट एक बार देख लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एक बार एनालाइज कर लें, और उसके बाद जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो आज का जो कोर्स कंटेंट है उसके लिए जिस बुक को हमने रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पर और जिस बुक को हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो है एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पार्ट टू का चैप्टर नंबर 11 है जिसको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ। अब कुछ स्टेट बोर्ड्स ऐसे हैं जो अपनी खुद की बुक यूज़ करते हैं, जैसे तमिलनाडु बोर्ड, गुजरात बोर्ड, इनकी खुद की बुक्स हैं। लेकिन उन बुक्स को भी मैंने देखा, उन बुक्स के टेक्स्ट बुक के कंटेंट को भी मैंने देखा और पाया कि मोर और लेस एनसीईआरटी और उनका पैटर्न एक जैसा ही। कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जैसे केरला बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को एज इट इज़ अडेप्ट करके यूज़ करते हैं, तो उनके लिए तो ये यूज़फुल रहेगा ही। तो कुल मिलाकर ये सारी स्टेट्स के लिए यूज़फुल है। अब आते हैं हम आईएससी बोर्ड पर। आईएससी बोर्ड में थोड़ा सा लास्ट टॉपिक में एक अंतर आता है, बाकी पूरा कंटेंट एनसीईआरटी का आईएससी के लिए भी रिलेवेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के कंटेंट से। एनसीईआरटी का कंटेंट रखने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि जेईई और नीट का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी कंटेंट को ध्यान में रखकर बना होता है। इसलिए हमने जो बुक, हम और भी बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं, और भी स्टेट की बुक्स भी अच्छी हैं, लेकिन इसको रखने के पीछे कारण ये है कि इसका जो चैप्टर ऑर्डर है, लेक्चर फ्लो है और सिलेबस हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, सीबीएसई के, आईएससी के और बाकी स्टेट बोर्ड्स के, वो सबसे ज़्यादा मैच करते हैं एनसीईआरटी। सो लेट स्टार्ट। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे एनसीईआरटी कंटेंट आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो मेन नो टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में आते हैं। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 है, इसलिए टॉपिक के नंबर 11.1 से लेकर 11.9 दिए हुए हैं, ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स पर मैंने टिक लगा रखे हैं, कुछ पर नहीं लगा रखे हैं, तो उसको मैं समझाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये रिलेट करते हैं पुरानी डिस्कवरीज को, जैसे कैथोड रे की डिस्कवरी हुई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी हुई, और आज का जो हमारा चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, आज का जो इसका कंटेंट है इसको पुराने डिस्कवरी से लेके यहाँ तक आज तक रिलेट करने की कोशिश की गई। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली डिस्कवरीज के बारे में ज़्यादा बताया गया है कि कैसे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का जो प्रेजेंट नॉलेज है कैसे हमको मिला, बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया है। इसके बाद दूसरा टॉपिक, यहाँ से चैप्टर एक्चुअली में स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है इसके अंदर कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिनको हम अभी अलग से डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन टॉपिक के अंदर कई सब टॉपिक्स हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन के निकलने की बात की गई है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जाए। तो अब हमको यहाँ पर ये डिस्कस करना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है और ये कहाँ से निकल रहा है। उसके बाद सीधे आ जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तो जो इस चैप्टर का कोर और सेंट्रल टॉपिक, इस चैप्टर का जो सेंट्रल आइडिया है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, हम पिछले लेक्चर में वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या बोलता है कि मैटर का दोनों प्रकार का नेचर होता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। इसी प्रकार से रेडिएशन की भी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी होती है। तो रेडिएशन की वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का ये प्रूफ है। तो रेडिएशन मतलब लाइट, लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डिस्कवरी कैसे हुई, इसका लॉस क्या क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, बहुत सारी चीज़ें इसी टॉपिक के अंदर आएंगी। फिर 11.4 है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर पुराने जो हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट्स रहे वो, और फिर कुछ रिलेशंस, मैथमेटिकल रिलेशंस के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं फिर एक इसके बाद जो लेक्चर है वो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के ऊपर है कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए, तो वहां मैं बताऊंगा कि इनकी टॉपिक्स की एग्जाम रिलेवेंस क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि टॉपिक देखने पे लगता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी किस तरीके से फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए, ये इसमें बताया गया है। बस
इसके बाद आता है आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इस 11.3 का प्रूफ, 11.3 में एक घटना घटित हो रही है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसका पार्टिकल प्रूफ। देखिए नीचे लिखा हुआ भी एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, यहां पर क्वांटम वर्ड को आप पार्टिकल से समझिए, ठीक है। वैसे क्वांटम का मतलब पार्टिकल नहीं होता, लेकिन अभी आप इसको समझ लीजिए एनर्जी पार्टिकल ऑफ रेडिएशन ऐसा लिखा हुआ है। तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का 11.3 से लेना देना। तो ये 11.4 और 11.5 में से 11.5 तो बता रहा है केवल कि क्यों फेल हो गई वेव थ्योरी। 11.4 में जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होंगे उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर आपको 11.6 में मिलेगा। तो 11.3 बेसिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता, ठीक है। 11.4 एक्सपेरिमेंटल स्टडी बताता है और उसके ऑब्जर्वेशन बताता है, और इन दोनों को ही मिला जुला के लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बनते हैं, और उन लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन आपको आके मिलेगा आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर। फिर आता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन। इसी के बाद जो आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है इसी से कंटिन्यूअसली ये चलेगा, ये बताएगा। इस पर और डिस्कस करेंगे हम अलग से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर, लाइट का पार्टिकल नेचर। तो यहां पर हम लाइट के पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, मास के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद लाइट का जो पार्टिकल है उसके बारे में। तो उस लाइट पार्टिकल का नाम ही फोटोन है। तो उसकी मास मोमेंटम जो कि हमने पढ़ा था कि पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम लाइट में उस चीज़ों को पढ़ेंगे, मास मोमेंटम ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कोलिजन कैसे होती है। फिर यहां से 11.2 से बिल्कुल दूसरी चीज़ शुरू हो जाएगी, वेव नेचर ऑफ मैटर, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बता दिया था। पिछले वीडियो में जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी वो थी पार्टिकल नेचर के बारे में, फोटोन के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि ये चैप्टर में ज़्यादा डिस्कस होगा। अब 11.8 में सीधे डी ब्रॉगली इक्वेशन आ जाएगी जो हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, और उससे पता चलेगा कि वेव नेचर है मैटर का कि नहीं, और उसी का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो आप इस लेक्चर फ्लो को देखकर समझ गए होंगे कि पहला हिस्सा है यहां पर, पहला हिस्सा है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का और दूसरा हिस्सा है वेव नेचर ऑफ मैटर का। बस दो चीजें ही इस चैप्टर में डिस्कस हुई जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का कंटेंट बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, इलेक्ट्रॉन इमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इसके बाद वेव थ्योरी का फेलियर, फिर आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और उसी में ये फोटोन आ जाएगा, फिर वेव नेचर ऑफ मैटर और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये एनसीईआरटी का कंटेंट है। अब हम आते हैं सीबीएसई के सिलेबस पर। सीबीएसई का सिलेबस, आईएससी का सिलेबस, जेई और नीट, ये बिल्कुल कॉमन है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बता दूंगा। जैसे मैंने यहां पर लाइन खींच रखी है, 9th एक्सरेस, ये आईएससी का सिलेबस है, लेकिन यही एक्सरे फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा। लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन और फोटोसेल एंड एप्लीकेशन, ये जो दो टॉपिक लिखे हुए ये तमिलनाडु बोर्ड के सिलेबस के हिस्से है, हालांकि ये सीबीएसई में यहाँ पर अलग से इंक्लूड नहीं करके इसी के अंदर रखा है, लेकिन तमिलनाडु बोर्ड इसको अलग से बोलता है, तो इसलिए मैंने 10 और 11 करके इनको अलग से लिख दिया। तो देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, और किसी किसी बुक में वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी भी लिखा है, तो दोनों ही बातें सेम है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन भी यही बोलता है और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी भी यही, ठीक है। फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी हमारे कंटेंट के अंदर आ गया। हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन जो है इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो जो यहां पर एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ रहे थे वही है हर्ट्ज लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। तीन साइंटिस्ट थे एक्चुअली में, हर्ट्ज, हॉलवॉक्स और लेनार्ड, इन तीनों के ऑब्जर्वेशन यहां पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस की वजह से हमारे सिलेबस में हर्ट्ज लेनार्ड एक्सपेरिमेंट ज्यादा लिखा रहता है, इसलिए आपको हॉलवॉक्स का नाम सुनने को कम मिलेगा और इन दोनों के नाम ज्यादा मिलेंगे, जबकि हॉलवॉक्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये सिलेबस का हिस्सा है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, मतलब जो हमने वहां पर पढ़ा कि वेव नेचर ऑफ मैटर, तो यहाँ नीचे लिखा ही हुआ है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है ये सब सिलेबस में लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। डी ब्रॉगली रिलेशन, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसमें केवल उसके कंक्लूजन पढ़ने हैं। तो आपने देखा सिलेबस और एनसीईआरटी कंटेंट पूरा मिलता है, ठीक है। थोड़े से टॉपिक्स के नेम चेंज है, हो सकता है कुछ टॉपिक्स जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर नीचे लिखे हुए, तो हम जनरली सीबीएसई का ये जो लेक्चर फ्लो है, सॉरी सिलेबस फ्लो है, इसको फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी का जहाँ लगेगा कि ज़्यादा अच्छा है तो एनसीईआरटी का फॉलो करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो फ्लो है ये ज़्यादा काम का है, अदरवाइज फिर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। तो देखेंगे हमको जो सूटेबल लगेगा पढ़ने के हिसाब से वो करेंगे।
लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर ये थ्री और फोर के, टू और थ्री के अंदर ही आ जाते हैं। फोटोसेल, फोटोसेल अलग से कोई टॉपिक नहीं दिया, लेकिन एनसीईआरटी में ये डिस्क्राइब्ड है। तो फोटोसेल सिलेबस में नहीं दिख रहा आपको सीबीएसई के, ठीक है, लेकिन फोटोसेल भी हम पढ़ेंगे चूंकि एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। अब आते हैं हम एक्सरे के ऊपर कि एक्सरे के अंदर क्या क्या आता है। तो ये एक्सरे के अंदर आता है, तो एक्सरे के अंदर आया उससे पहले मैं लेफ्ट साइड से ओवर स्टार्ट करना चाहूंगा कि कंटेंट हमारा क्या क्या है, पहले हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, एक सबसे पहला कंटेंट है हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशन एनसीईआरटी का। तो चार टाइप के इलेक्ट्रॉन इमिशन होते हैं, एक थर्मियोनिक, एक फील्ड, फिर फोटो इलेक्ट्रिक और सेकेंडरी। एनसीईआरटी में ये लास्ट वाला नहीं दिया है, लेकिन तमिलनाडु बोर्ड्स और बाकी सारी स्टेट बोर्ड्स की बुक में दिया हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीबीएसई और एनसीईआरटी में इसलिए नहीं दिया क्योंकि सेकेंडरी इमिशन से रिलेटेड जो टॉपिक है आपका एक्सरे, वो उनके सिलेबस में नहीं है, इसलिए शायद उसको नहीं दिया है। बाकी चार प्रकार के इलेक्ट्रॉन इमिशन होते हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन इमिशन के टॉपिक हम पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन इमिशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो हिस्सा है, इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये दोनों चीजें रिलेटेड है। तो ये चार टॉपिक्स अलग से सिलेबस में नहीं दिए हैं, लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉन इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ही आते हैं। तो ये टॉपिक्स आप ध्यान से सुन लीजिए, वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये टर्म्स आपको सुनने को मिलने वाली, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसके अंदर हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि कलेक्टर प्लेट क्या होती है, इमिटर प्लेट क्या होती है, फिर एक टर्म आएगी एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये तीन प्रकार के पोटेंशियल आने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अभी मैं जो बोल रहा हूँ इसका आपको 5% भी रिटेन नहीं करना है, दिमाग में नहीं रखना है, लेकिन क्या होता है कि जब आप इसको दोबारा पढ़ रहे होगे तो ये जो वीडियो है ये क्रॉस चेक करने के लिए आएगा कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है और आपका कुछ छूट तो नहीं है। इसके बाद जो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये किस, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी का, इंटेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है उसको पढ़ेंगे, यही लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और उन्हीं का फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। तो आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे, चैप्टर बहुत छोटा दिख रहा था, केवल 9 टॉपिक्स थे, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स थे। तो वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कलेक्टर प्लेट, इमिटर प्लेट, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और उन पर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का इफेक्ट, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इतनी सारी चीजें तो यहाँ पर थी, ठीक है। इसमें मैंने और भी बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हैं, जैसे डी ब्रॉगली रिलेशन के बारे में मैंने अलग से नहीं लिखा, तो डी ब्रॉगली रिलेशन इसलिए मैंने कुछ टॉपिक्स डायरेक्टली टिक कर दिए थे, जैसे आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, तो वो जो सिलेबस के अंदर है वो ये जाएगा। यहाँ पर मैंने केवल वो टॉपिक लिखे हैं जो सिलेबस का जो हेडिंग है उसके अंदर मिसिंग थे, तो केवल वो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके बाद जैसे एक्सरे के अंदर आता है कूलिज ट्यूब, ठीक है, कूलिज ट्यूब के क्या क्या पार्ट होते हैं, हॉट कैथोड, हैवी एलिमेंट एनोड, वैक्यूम ट्यूब, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर एलिमेंट्री सबसे बेसिक थ्योरी क्या होती है एक्सरे प्रोडक्शन की, वो पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक जो है जेई के कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईएससी में दिया है, सीबीएसई में नहीं दिया, लेकिन यदि आप जेई देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये सारी चीजें पढ़नी, जेई मेन्स के वो एडवांस का टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ करंट, टेम्परेचर, रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटेंसिटी, तो करंट का, टेम्परेचर का, रेट ऑफ प्रोडक्शन पे और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मोसलेस लॉ। तो इतने सारे इसके टॉपिक थे। तो मेरा ये मानना है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये वीडियो शुरू शुरू में मैं भी ऐसे जब टीचर्स एक्सप्लेन करते थे तो मुझको ये सब चीज़ें फालतू लगती थी, लेकिन बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि अगर आपको एग्जाम्स के क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करना है कि एग्जाम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो सिलेबस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन दोनों को हमको कोरिलेट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इवन क्वेश्चंस भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कौन सा हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर टीचर बोलते हैं ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप छोड़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, जब आपके हाथ में कंटेंट रहे। तो कंटेंट याद नहीं करना, लेकिन कंटेंट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। तो अगली क्लास में हम सीबीएसई के और आईएससी बोर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी किसी बोर्ड के क्वेश्चंस मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिए हैं कि यही क्वेश्चंस बाकी स्टेट बोर्ड्स में भी आए हैं। तो आईएससी मोर और लेस स्टेट बोर्ड की तरह काम करती है और सीबीएसई थोड़ा थोड़ा सा जेई नीट की तरह काम करती है, बस इतना डिफरेंस। मतलब सबसे ऊपर है जेई नीट,
ठीक है, और उससे बिल्कुल मिलता जुलता है सीबीएसई, और जो आईएससी है, आईएससी और स्टेट बोर्ड के जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। तो कई लोगों को ये एक कंफ्यूजन रहता है कि आईएससी ज्यादा टफ है। आईएससी की जो टफनेस है वो एग्जामिनेशन में नहीं है, वो दूसरी चीजों में है। साइंस दोनों का बराबर है, सीबीएसई का और आईएससी का। आईएससी में बस लैंग्वेज पार्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, तो वो सीबीएसई में थोड़ा सा डाउन होता है। बाकी लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, हिंदी, ये सारे टॉपिक्स, बाकी ये सारी चीजें सेम होती हैं। आईएससी एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा जोर देता है, बस इसके अलावा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आईएससी बेसिकली एक स्टेट बोर्ड की तरह ही होता है, तो स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस और आईएससी क्वेश्चंस ज्यादा है। तो अगली क्लास में जब मैं क्वेश्चन पेपर के साथ ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है।